हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल से विद कमल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम घेर के डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग कटवर्क निकाल के। तो आप देख सकते हैं ये फैब्रिक इस तरह से है और इसमें कटवर्क बना हुआ है और हम इसी शेप में हम इसका घेर का डिज़ाइन रेडी करेंगे जो बहुत ही प्रिटी लगेगा बनने के बाद। तो इसके लिए जो मैंने इसी कुर्ती के फैब्रिक में से एक पीस कट किया है जिसकी मैंने लेंथ जो है वो 23.5 इंचेस कट की है और इसकी जो मैंने विड्थ कट की है वो मैंने 3.5 इंच कट की है। तो आपको भी इसी तरह से पीस को कट कर लेना है घेर की लेंथ के अकॉर्डिंग। और इस पे मैंने फ्यूज पेपर को पेस्ट कर लिया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्यूज पेपर को इस पे पेस्ट किया है। और अब हमें क्या करना है, जो हमारी सीधी साइड है घेर की उस पे में हमने जितना 1/2 इंच का मैंने मार्जिन के अकॉर्डिंग मार्क लगा लिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम जो पट्टी रेडी की है वो हम रखेंगे। हमें पट्टी की जो सीधी साइड है वो फैब्रिक की तरफ रखनी है और जिसपे फ्यूज पेपर लगा हुआ है वो साइड ऊपर की तरफ रखनी है और जो हमने मार्क लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पट्टी को सेट करके रखना है। आप चाहे तो रफ स्टिच से एक सिलाई लगा सकते हैं, मैं पिन यूज कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम पट्टी को हमारे फैब्रिक के साथ बिठा लेंगे अच्छे से पिन लगा के। आप चाहे तो एक सिलाई लगा सकती हैं इस पे। तो अभी हमने पिन लगा लिए हैं, अभी जो है हमें हमारे घेर को उल्टी साइड टर्न करना है। तो जिस तरह से हमारे घेर का वर्क है हमें उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई मशीन को चलाना है। आपको अपनी सिलाई मशीन को धीरे धीरे मूव करना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारा पैटर्न बना हुआ है उसमें बहुत छोटे छोटे कटवर्क बने हुए हैं। उसी शेप में हमें हमारी मशीन के फुट को मूव करना है। जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया उसी तरह से हमें इसे स्टिच करना है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें इसी तरह धीरे धीरे से हमारी मशीन को टर्न करते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है हमारे पैटर्न पे। और अब हम बहुत ही थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। मैंने 1/2 इंच से भी बहुत कम मार्जिन छोड़ा है, इसे जो हम पलटेंगे तब हमें आसानी होगी। क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक कट बने हुए हैं इसके लिए जो हम इस पे स्ट्रेट कट लगाएंगे। हमें बहुत ही थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट लगा लेने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी सिलाई कट ना हो। और इसी तरह हमें पूरे पैटर्न पे कट लगा लेने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कट लगा लिए हैं, तो ये सारे मैंने सीधे कट लगाए हैं। और अभी हम इसे टर्न कर लेंगे, हमने जो फैब्रिक अटैच किया है हम उसे उल्टी साइड घुमा देंगे। हमारा जो है कटवर्क बहुत अच्छा बना है और अभी हम इस पे आयरन कर लेंगे। तो मैंने इस पे प्रेस कर लिया है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा घेर का डिजाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर हम इसे इसी तरह से सीधा फोल्ड कर देते तो इतनी अच्छी लुक नहीं आती हमारी कुर्ती की। तो आप भी इसी तरह से अपनी कुर्ती को स्टाइलिश कर सकते हैं घेर के अकॉर्डिंग, इसी तरह आप अपना पैटर्न रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।